नमस्कार, मैथिली न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकित द्विवेदी। कस्बा भोगांव में गौवंश शासन पर प्रशासन के लिए चुनौती बनता जा रहा है। थाना क्षेत्र के गांव बराट के पास बनी एक पुलिया के नीचे गाय फंस गई, जिसे जेसीबी की मदद से घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। देखिए हमारे संवाददाता गुलजार अहमद की ये रिपोर्ट। शासन और प्रशासन के लिए गौवंश एक चुनौती बन गया है। जिधर देखो उधर गौवंश को लेकर लोग प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। कोई गौवंश को अस्पताल में पहुंचा रहा है तो कोई तहसील में। प्रदेश सरकार द्वारा गौवंश की समस्या से छुटकारा पाने के लिए गौशाला बनाए जाने के आदेश भी जारी किए जा चुके हैं। तहसील प्रशासन गौवंश को अलग अलग स्थानों पर एकत्रित करने में जुटा है। इसी बीच एक गाय भोगांव थाना क्षेत्र के ग्राम बरहट के पास बनी पुलिया के नीचे दलदल युक्त गड्ढे में जा फंसी। सूचना पाकर पहुंचे ग्रामीणों ने दलदल में घुसकर असहाय पड़ी गाय को निकालने का काफी प्रयास किया, लेकिन दलदल के कारण उसमें प्रयास विफल होने लगे। थकार कर ग्रामीणों ने जेसीबी की मदद ली। लगभग दो घंटे की कड़ी मेहनत के बाद ग्रामीणों ने जेसीबी की मदद से गाय को बाहर निकाला, तब जाकर गाय की जान बच सकी। गाय को दलदल युक्त गड्ढे से बाहर निकालने के लिए कमलेश अवस्थी, विनोद मिश्रा, अनुराग संजीव, कुलदीप आदि लोग मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, मैनप्री।